उज्जैन में जयसिंहपुरा के क्षेत्रवासियों ने रेलवे ब्रिज निर्माण के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। रहवासियों का कहना है कि इस ब्रिज के बनने से जयसिंहपुरा एक बस्ती में तब्दील हो जाएगा और इसकी सभी कॉलोनियों से कनेक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। उज्जैन में जयसिंहपुरा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक ब्रिज प्रस्तावित है जो सावरा खेड़ी होते हुए जंतर मंतर और जंतर मंतर से सीधे चार धाम मंदिर पर जाकर रुकेगा। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि जयसिंहपुरा के दोनों तरफ हरिफाटक ओवरब्रिज पर रेलवे क्रॉसिंग लालपुर का ओवरब्रिज पहले से ही है, तो हमारा निवेदन ये है कि ब्रिज बनने से जयसिंहपुरा एक बस्ती नुमा क्षेत्र हो जाएगा, सभी कॉलोनियों की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। प्रशासन से अनुरोध है कि ब्रिज के बजाय वो अंडरपास ब्रिज बना दे। पूरा रेलवे क्रॉसिंग पर एक ब्रिज प्रस्तावित है जो सावरा खेड़ी होते हुए जंतर मंतर, जंतर मंतर से सीधे चारधाम मंदिर पर रुकेगा। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है, चूँकि दोनों तरफ हरिफाटक और ब्रिज है, रेलवे क्रॉसिंग लालपुल पर और ब्रिज है, तो हमारा ये निवेदन है कि हम यहाँ क्यों ब्रिज बनाएं। इस ब्रिज बनने से ये पूरा जयसिंहपुरा एक बस्ती नुमा क्षेत्र हो जाएगा। इसमें सारी कनेक्टिविटियाँ ख़त्म हो जाएगी। जो लोग गुरु नगर, राजीव रत्न कॉलोनी, बिजली बाजार, भगत सिंह मार्ग आदि आदि क्षेत्र से जो कट के इस क्षेत्र को जोड़ता है, वो जोड़ ब्रिज बनने से ये पूरा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि यहाँ ब्रिज ना बनाएं, इसकी वजह वो अंडरपासिंग बना दें, और भी कहीं ज्ञान सागर, भारतीय ज्ञान सागर के पास में अंडरपासिंग बना सकते हैं, वो वहाँ पर भी ब्रिज बना सकते हैं। ऑलरेडी हरिफाटक पर ब्रिज बना हुआ है, तो हम जयसिंहपुरा के समस्त रहवासियों की ओर से मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि यह ब्रिज यहाँ नहीं बना, बनाते हुए और कहीं बनाए, और इसको भले चाहे वो रोड चौड़ा कर दें, सब लोग रोड चौड़ा करने के लिए अपनी सहमति देते हैं और सहमत हैं।